हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डार्क स्टेन मेहंदी शेयर करने वाली हूँ, जो आपके हाथों पे बहुत ज्यादा गहरा कलर देगी और बहुत ही ज्यादा बनाना आसान है। सिंपल सा मेथड है जो हर कोई घर में बना सकता है और जो इन्ग्रीडियंट है वो घर से आपको बहुत ही ज्यादा ईजिली मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं रखा है, ईजी है बनाने में, लेकिन जो इसके रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिनको भी कलर नहीं रचता है या गहरा नहीं होता है या फिर छिल्टों की सूरत में उतरता है, उन लोगों के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा वर्क करने वाली है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस पे एक पैन को चढ़ा दिया है एंड देन उसके बाद इसमें मैं एक कप के करीब पानी को ऐड कर लूंगी। प्लेन वाटर आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद मेरा पहला इंग्रेडिएंट है जीरा। जीरा हर घर में बहुत ही इजीली मिल जाता है और इससे कलर बहुत ज्यादा गहरा आता है। तो यहाँ पे जो है एक चम्मच के करीब जो है मैं इसमें जीरे को ऐड कर दूंगी। अच्छी तरीके से जीरे को पकने देना है, जितना भी जीरे का कलर है वो पानी में आ जाना चाहिए, बिकॉज जीरा जो है बहुत अच्छा और गहरा कलर देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो है पानी का कलर चेंज हो गया है। इसी मोमेंट पे जो है मैं ऐड करूंगी कॉफी। कॉफी जो है कोई भी आप ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये ले लिया। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपने उसी का इस्तेमाल करना है। और जो सबसे अच्छी चीज है जो कॉफी है वो आप जरूर से ऐड करें। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमको कलर नहीं आता है और मार्केट वाले जो केमिकल वाले जो कोन होते हैं वो हमको सूट नहीं करते। जब भी हम लगाते तो छिलकों की सूरत में उतरते, तो कॉफी की मदद से जब हम कॉफी ऐड करेंगे उसमें तो वो भी जो है छिल्टों की सूरत में नहीं उतरेंगी मेहंदी और कलर बहुत ज्यादा गहरा आएगा। अच्छा जी, अभी इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से बॉइल्ड भी आ गया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी, यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से इसमें बॉइल्ड आ गया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी कत्ते का पाउडर। अगर आपको नहीं पता कत्ता क्या होता है तो एक डिटेल में वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है बहुत पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कत्ता कहाँ मिलता है और वो जो है कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको जो है उसका पाउडर बनाना है, वो सारा कुछ। तो यहाँ पे कत्ते का पाउडर ऑलरेडी मैंने बना के रखा था। तो यहाँ पे जो है कत्ते को जो है मैं आधा चम्मच के करीब जो है कत्ता मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि इससे कलर बहुत ज्यादा गहरा, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा कलर आता है एंड लॉन्ग लास्टिंग कलर आता है। तो यहाँ पे हाफ चम्मच के करीब जो है मैं इसमें कत्ते को डाल दूंगी। इसको जो है अच्छी तरीके से आपने मिला लेना है ताकि जितना भी चीजें हमने डाली है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। कत्ते को आप नॉर्मल पानी में भिगा के जो है प्लेन वाटर में भिगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पकते वक्त इसको डालोगे तो डबल गुडनेस आपको मिलेगी और मेहंदी का कलर भी बहुत ज्यादा गहरा होगा। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया है और उसके बाद जो है रिक्वायर्ड अमाउंट मेहंदी को आपने ले लेना। मैं एक कोन के हिसाब से बना रही हूँ तो उस हिसाब से ले। अगर आप बल्क में बना रहे हो तो उस हिसाब से आप मेहंदी का रेशियो रख सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि जो है ये मेहंदी का इस्तेमाल मैं करती हूँ। बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि ये मेहंदी हमको नहीं मिल रही, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी जाके ले सकते हो। उसका ऑल्टरनेट है, ये आपके आसपास में मिल जाएगा, ये बहुत ईजिली मिल जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर इजीली मिलता है, और अगर ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक कोन के हिसाब से मैं बना रही हूं, तो मैंने इतनी क्वांटिटी ले ली है। अच्छा जी, ये कत्ता, जीरा और जो कॉफी का पानी हमने बना के रखा था इसको जो है हम छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने ये वाटर को डालना है, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं डालना है, अदरवाइज मिक्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है एंड जब ये वार्म हो तभी आपने डालना है, क्योंकि जब वार्म होता है तो लम्स, गांठे वगैरह नहीं बनती है, बहुत कम बनती है, मिक्स करने में भी बहुत ईजिली जो है मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से इसको पानी को मिलाते रहिए और मिक्स करते रहिए, जल्दी से ईजिली मिक्स हो जाता है। एक साथ अगर आप पानी को डाल के फिर मिक्स करोगे तो जो है बहुत ज्यादा पतला गाढ़ा हो जाएगा पेस्ट। तो आपने बहुत ज्यादा थिक और बहुत ज्यादा थिन पेस्ट को नहीं बनाना है, इतना बनाना है कि जो है अच्छी तरीके से कोन से बाहर निकले, थिक और बहुत ज्यादा थिन नहीं होनी चाहिए कंसिस्टेंसी।
और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कभी भी प्लेन वाटर से, जो है नॉर्मल वाटर से मेहंदी को मिक्स नहीं करती हूँ। जब भी मैं मेहंदी को बनाती हूँ तो ऐसे इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करती हूँ जो नेचुरल हो और बहुत ही इजीली हमारे घर पे अवेलेबल हो, और मेहंदी का कलर को गहरा करने में नेचुरल इंग्रेडिएंट बहुत अहम रोल जो है, इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते कि कंसिस्टेंसी, जब इसको मैं 1 आवर के लिए छोड़ूंगी तो यहाँ पे जो है ये और ज्यादा थिक हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स 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 आपने करना है। एंड देन जो है आपने इसको 1 आवर के लिए जो है, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप जो है पूरी रात इसको रखें, अगर आपके पास कम टाइम है तो 1 आवर इनफ है बहुत अच्छा और गहरा कलर देने के लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो आप जो है इसको जो है अच्छा खासा टाइम पूरी रात भर इसको रखें, बहुत अच्छा एंड गहरा कलर देता है। उसके बाद जो है 1 आवर के लिए आपने इसको ढक के रखना है, ओपन नहीं रखना है। और जो है उसके बाद जब 1 आवर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर अच्छा खासा टाइम रखना है। जितना टाइम आप रखोगे उतनी ही गुडनेस, जितनी भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं उसकी इसमें इजीली आ जाएगी। ले लिया है गुड़। गुड़ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके जो है कलर को डार्क और गहरा करने में। तो यहाँ पे मैंने जो है गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, और बहुत इजी मेथड है, अमेजिंगली वर्क करेगा। तो सबसे पहले गैस पे मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है, और उसके बाद जो है फ्लेम को कर देंगे हम ऑन। उसके बाद जो है हम फ्लेम को कर देंगे लो, और उसके बाद जो है हाफ ग्लास के करीब जो है हमने वाटर को ऐड करना है। मैं अपने रिक्वायर्ड अमाउंट के हिसाब से बना रही हूँ, आप जो है जितना भी आपको रिक्वायर्ड अमाउंट है, 2 कोन 3 कोन उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 कोन के हिसाब से बना रही हूँ, तो आपकी रिक्वायर्ड के हिसाब से आप जो है इसको बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक ग्रेटर ले लिया है, और गुड़ को जो है अच्छी तरीके से हम कीस लेंगे। अच्छा गाइस, इससे करने से क्या होगा कि अगर हम गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पकाएंगे तो मेल्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम जो है ग्रेटर की मदद से उसको ग्रेट करेंगे तो वो इजीली जो है मेल्ट भी हो जाएगा, और उसमें कोई भी लर्म्स गांठे वगैरह भी नहीं रहेगी। तो अच्छी तरीके से जो है हम इसको ग्रेट कर लेंगे, आसान सा मैटर है, बस आपको जो है आधा मिनट भी नहीं लगेगा इसको अच्छी तरीके से ग्रेट करने के लिए। अच्छा जी, इसको अच्छी तरीके से हमने कीस लिया है, 1 चम्मच के करीब गुड़ का जो है मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप चाहो तो टुकड़े करके भी इसमें डाल सकते हो, पर उसको मेल्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया तो जो है मेल्ट बहुत ईजिली भी हो जाता है, और जो भी लर्म्स गांठे वगैरह भी नहीं रहती, और जो है मेहंदी में मिक्स करने के लिए भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। 1 चम्मच की मदद से जो हम इसको चलाते रहेंगे ताकि जो है ये नीचे ना लगे, और जो है अच्छी तरीके से एक बॉयल आने के बाद जो है हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया है, उसके बाद जो है मैं मेहंदी को ले लूंगी। जो भी आपके पास हेना है आपने उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन हेना जो है आपने ऑर्गेनिक लेनी है, जो मेहंदी होती है वो आपने ऑर्गेनिक लेनी है, और जो है सभी के यहाँ पे जो है मेहंदी बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन आप चाहे जो भी मेहंदी लो, लेकिन अगर आपने इस मेथड से बना लिया ना तो बहुत ही ज्यादा गहरा और नेचुरल कलर देने में आपको हेल्प करेगी, और बहुत ही जल्दी जो है आपको ये कलर देने में हेल्प करेगी। एंड जो है बहुत देर से उतरता है, और छिलके की सूरत में बिल्कुल नहीं उतरता है, गाढ़ा कलर जो है गहरा से गहरा कलर देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो जो है ऑर्गेनिक मेहंदी आपने ले लेनी। अच्छा जी, तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के करीब जो है मैं हिना को ले लूंगी। गाइस, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 कोन के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं उतना ही ले रही हूँ। अगर आप जो है बल्क में बना रहे तो इसी मेथड से जो है आपने सभी रेशियो को जो है डबल ट्रिपल कर देना है, जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 कोन के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए जो है मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच ले रही हूँ। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बल्क में बना रहे हो तो जो है आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, एंड जो भी मैं आपको बताऊंगी उसको भी जो है आपने डबल कर देना है। और इस मेहंदी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बना के बहुत टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चम्मच के करीब जो है मैंने हेना पाउडर को ले लिया है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो भी आपके यहाँ पे मिलता हो वो ले लेना है। ऑर्गेनिक हेना आपने ले लेना है, अगर ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं।
अच्छा जी, जो गुड़ का पानी हमने बना के रखा था वो जो है मैं इसमें ऐड करूंगी। बहुत ज्यादा नहीं आपने ऐड करना है, बहुत ज्यादा थिन नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाना है, इतना कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। एंड जो सबसे अच्छी बात है कि जब ये हल्का सा वॉर्म हो तभी आपने इसमें ऐड करना है, बहुत ज्यादा जो है इसको ठंडा करके नहीं, ताकि जो है अगर ये जब वॉर्म होगा और आप इसमें ऐड करोगे ना तो ये अच्छी तरीके से जो है मिक्स होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। उसके बाद जो है ये दोनों ही चीजों को जो है हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले तो आपने इतना मिक्स करना है, कोई भी लर्म्स गांठे वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतला और बहुत ज्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है आपने, बिल्कुल मीडियम सी कंसिस्टेंसी रखनी है, इतना रखना है कि जो है लर्म्स गांठे वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। एंड ये जो मेहंदी है ऑर्गेनिक मेहंदी जो मैंने यूज करी है बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है, बिल्कुल भी लर्म्स गांठे वगैरह नहीं रहती है। एंड जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं हाफ एन आवर के लिए तो ये और ज्यादा थिक हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी जो है इसमें ज्यादा जो गुड़ का पानी है इसमें मैंने ज्यादा से ऐड करा है। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है एंड बिल्कुल भी इसमें कोई भी लर्म्स वगैरह गांठे वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, हमारा लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट है, जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट है, हेना पाउडर, गुड़ का पानी और जो हमारा लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट है नीलगिरी ऑयल, जो आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो आप इसका कोई भी अल्टरनेट बता दीजिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज अपलोड करे जो अल्टरनेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो बहुत ज्यादा जल्दी और गहरा कलर आपको मिलने में हेल्प करेगा और ये बहुत ज्यादा जो है अच्छी तरीके से जो है ये आपके इस पे वर्क करता है एंड ये बहुत ईजिली मिल जाता है। अगर आपको नाम मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है आपको ये बहुत ही इजीली मार्केट में भी मिल जाएगा, ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे दो से तीन जो है ड्रॉप हमने ऐड करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है, हाफ चम्मच के करीब जो है हमने इसमें ऐड करना है, हाफ से हाफ चम्मच के करीब जो है हमने इसमें ऐड करना है और ये सारी चीज़ों को जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, एंड सबसे जो अच्छी चीज़ें जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हो, आप जो है बहुत इजीली मिल जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एंड देन जो है ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स 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 अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड हाफ एन आवर के लिए इसको जो है ढक के ऐसे तरीके से छोड़ देना है। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमको गहरा कलर नहीं आता या फिर जो है हमारी मेहंदी जो है उसका रंग नहीं चढ़ता है, बहुत हल्का सा चढ़ता है, तो इस मेथड से अगर आप बनाते हो ना तो बहुत ज़्यादा गहरा कलर मिलने में हेल्प मिलेंगी एंड जो है ये आपका लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा एंड जितनी भी जो है जब छिलटे की सूरत में उतरता है वैसे नहीं उतरेगा एंड ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है ये मेहंदी एंड ये अमेजिंगली वर्क करती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज जी, एक लास्ट और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गुड़ का पानी है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुड़ का पानी हम इसलिए भी इसमें ऐड करते हैं कि जो हमारे नेल्स होते हैं तो ये उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से जो है कलर छोड़ता है, तो जो है ये अभी जो है फेड हो गया है, घर के हम जब काम करते तो ये फेड हो जाता है, लेकिन जब आप इसको लगाते हो तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये मेहंदी जो है आपके हाथों के लिए नेल्स के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंगली वर्क करती है और बहुत जल्दी आपको गहरा कलर देती है। तो हाफ एन आवर के लिए आपने बस इस तरीके से छोड़ देना है एंड देन अप्लाई करना है। गाइस, ये रेमेडी बनाने में जितनी आसान है ना उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, अगर ऐसा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।